इस्माइलपुर नाम के शहर में एक बड़ा व्यापारी रहता है। अरे मैनेजर साहब, शहर में लगे लॉकडाउन की वजह से गरीब लोग बहुत बढ़ गए हैं। क्या करा जाए उनकी मदद के लिए? सर, ज्यादातर लोग भूखे सोते हैं, रोटी सबकी जरूरत है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों की भूख मिट सके। ठीक है, कल मैं सब्जी बनाने के लिए बड़े बर्तन और एक रोटी बनाने की मशीन ले लेता हूँ, जिसमें एक घंटे में 500 तक रोटी बन सकती है। फिर हीरा लाल अगले दिन एक खाना बनाने वाली मशीन के व्यापारी से मिलने जाता है। फिर वो व्यापारी उसे वो बड़ी मशीन दिखाता है और हीरा लाल झट से उसे खरीद कर अपने यहाँ फैक्ट्री में लगा लेता है। अगले दिन वो रोटी सब्जी बांटते हैं। फिर शाम होने पर, सुनो मैनेजर साहब, आज का काम तो हो गया, आप शाम को फैक्ट्री की सभी मशीन बंद करके निकलिएगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। ये रोटी बनाने की मशीन अभी तक कैसे चल रही है? अभी बंद कर देता हूँ इसे। जैसे ही वो मशीन के पास जाता है, एक डरावना विशाल भूत उसमें से निकलकर मैनेजर के सामने खड़ा हो जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मशीन छूने की? अब इस गलती का प्रायश्चित तू अपनी मौत से करेगा। कौन कौन हो तुम भूत जी? मैंने क्या गलती कर दी? मुझे माफ कर दो भूत जी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। तूने मेरी मशीन को हाथ लगाया, इस गलती की कोई माफी नहीं है। फिर वो भूत मैनेजर को मार देता है और उसकी बॉडी को मशीन में डाल देता है, जिससे उसकी रोटियां बन जाती हैं। फिर अगली सुबह होने पर जब मजदूर ये नज़ारा देखते हैं, पूरी फैक्ट्री में हाहाकार मच जाता है। तभी वहाँ हीरा लाल पहुँचता है। अरे ये क्या हो गया? हे ईश्वर, इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था आपका? क्या किसी ने कुछ देखा यहाँ? नहीं मालूम मालिक, मैं सुबह आया तब यहाँ ऐसे मैनेजर साहब की लाश देखी। क्या अब गरीबों को खाना बांटने वाला काम बंद कर दिया जाएगा? नहीं नहीं, ये तो ईश्वर का काम है। मशीन की सफाई करो, आज शाम भी खाना बांटा जाएगा। शंभू, आज से तुम मैनेजर हो, तुम ये सारे काम की देखरेख करोगे। फिर शाम होने पर वो फिर से खाना बनाते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। फिर रात होने पर, हे ईश्वर, मैं मैनेजर तो बन गया पर बहुत डर लग रहा है, कहीं आज कोई मेरी रोटी ना बना दे। जैसे ही शंभू फैक्ट्री में पहुंचता है, वो देखता है कि रोटी बनाने की मशीन फिर से चल रही है। अरे हे ईश्वर, ये मशीन कैसे चल रही है? कौन है भाई, कौन है? अरे कोई है? फिर जैसे ही वो मशीन के पास जाता है, वही डरावना दैत्यकार भूत उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर शंभू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो भूत अपने हाथ को लंबा करके उसे पकड़ लेता है। कहाँ भाग रहा है? मेरा आज का शिकार तो तू ही है। मुझे माफ कर दो भूत जी। अब बन जल्दी से रोटी। फिर वो भूत शंभू को मार देता है और उसे भी मशीन में डालकर रोटियां बना देता है। फिर अगली सुबह होने पर जब फैक्ट्री में कर्मचारी आते हैं, वहाँ शंभू की लाश की रोटियां बनी देखकर हाहाकार मचा देते हैं। भाई मुझे तो लगता है फैक्ट्री में कौनो हत्यारा घूम रहा है, जो इतनी दर्दनाक तरीके से सभी मैनेजर का कत्ल कर रहा है। मुझे तो लगता है इस मशीन में कोई जादू शक्ति है। जब से ये मशीन यहाँ आई है तब से ही हत्याएं यहाँ हो रही हैं। तभी वहाँ मालिक हीरा लाल आ जाता है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मालिक, मुझे लगता है आपको ये गरीबों में खाना बांटने वाला काम बंद कर देना चाहिए। तो ये कहते हो मैं ऐसे अपने कर्मचारियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता? ये सब मशीन के अंदर बैठा भूत सुन रहा होता है। कोई नहीं बचेगा, मैं सबकी रोटी बना दूंगा। अरे भाई,
ये मशीन तो बोल भी सकती है। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचा के भागो। अचानक से फैक्ट्री की सभी लाइट बंद चालू होने लगती है। सभी फैक्ट्री से सिर पर पैर रख भाग निकलते हैं। इस बात से परेशान होकर हीरा लाल पास के एक प्रसिद्ध बाबा के मंदिर में चला जाता है। क्या हुआ हीरा लाल, बहुत परेशान लगते हो। फिर हीरा लाल सारी कहानी बाबा को बताता है। बाबा कुछ देर आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं। सुनो भाई हीरा, तुमने शहर की जिस मशीन व्यापारी से ये मशीन ली है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हें वही उत्तर दे सकता है। फिर हीरा जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर उसी मशीन व्यापारी के पास पहुंच जाता है। अरे भाई, तुमने क्या रोटी बनाने की मशीन दी है मुझे। जब से यहाँ से गई है, मेरे दो कारीगरों की जान ले चुकी है। ऐसे हीरा भाई, मैं तो कभी कोई मशीन गलत नहीं बेचता। हाँ, आप तो कब से मेरे साथ व्यापार कर रहे हैं। फिर मशीन व्यापारी थोड़ी देर कुछ सोचता है और कहता है, हीरा भाई मुझे याद आया, ये मशीन मुझे आज के शहर के एक होटल मालिक ने बेची थी। वो बहुत खड़ूस था, पर उस दिन उसने मुझे ये मशीन बहुत सस्ते में दे दी थी। मुझे लगता है तुम्हें वहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें अभी उसका पता देता हूँ। फिर हीरा लाल उस होटल पर पहुँच कर सीधा मालिक के पास जाता है। आइए आइए आइए, क्या खाएंगे साहब। हमारा होटल इस इलाके का बेस्ट होटल है। बताइए क्या खाएंगे साहब। मैं कुछ खाऊंगा नहीं, बस तुम मुझे ये बताओ, तुमने जो रोटी बनाने की मशीन मोतीलाल व्यापारी को बेची थी, वो क्यों बेची थी। ये सुनकर होटल मालिक को पसीने आने लगते हैं। वो मशीन पुरानी हो गई थी, इसलिए बेच दी। चलो चलो, आपकी धंधे का टाइम है, यहाँ से निकलो। होटल मालिक का ये व्यवहार देखकर हीरा लाल समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे पता लगाना ही होगा कि बात क्या है, नहीं तो ये भूतिया मशीन ना जाने और कितने लोगों की जान ले लेगी। फिर हीरा लाल वहाँ से जाने लगता है, तभी पीछे से उसे कोई आवाज देता है। सुनिए सुनिए। जैसे ही हीरा लाल पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि वो उस होटल पे काम करने वाला एक वेटर होता है। बोलो भाई। साहब मैं आपको बताता हूँ कि माजरा क्या है, पर आप मेरा नाम मत लीजिएगा, नहीं तो ये खड़ू सेठ मेरी भी जान ले लेगा। मेरी भी, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी भी जान ले लेगा। फिर वो बताता है, एक दिन रात के समय एक पतला दुबला गरीब लड़का आया था। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी माँ 2 दिन से भूखी थी। सेठ जी कुछ खाने को दे दीजिए, चाहे सूखी 4 रोटी दे दीजिए, मेरी माँ 2 दिन से भूखी है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पर जैसे ही मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपको पक्का पैसे दे दूंगा। मेरी मदद करो सेठ, मेरी मदद करो। यहाँ क्या मैंने अनाथ आश्रम खोल रखा है जो तुझे रोटी दे दूं? चल भाग यहाँ से भिखारी, हट। वो लड़का वहाँ से नहीं जाता और मिन्नतें करने लगता है। तब इस सेठ ने गुस्से में उसे रसोई के अंदर रखी रोटी बनाने की मशीन में घुसा दिया और वो जल के मर गया। तभी से उसकी आत्मा उस मशीन में समा गई और उसने इस होटल के भी 3 कारीगरों की जान ले ली है। फिर हीरा लाल उस लड़के की बूढ़ी माँ के पास जाता है और उसे सब बताता है। बेटा तू उस जुल्मी सेठ को सजा दिलवा। फिर अगले दिन हीरा लाल उस वेटर की मदद से चुपके से वो भूतिया मशीन दोबारा उसी सेठ के होटल की रसोई में रख देता है और नई मशीन वहाँ से हटा देता है। फिर रात होने पर जब होटल बंद हो जाता है, सेठ को रसोई से कुछ आवाजें आती हैं। अरे रे रे, ये क्या आवाजें हैं? लगता है कोई कारीगर आज रोटी मशीन चालू छोड़ गया। बिजली का बिल क्या इनका पाप भरेगा? कल सबकी पगार से 100 रुपए काट लूंगा, तब अकल आएगी इन मूर्खों को। फिर जैसे ही सेठ मशीन बंद करने उसके पास जाता है, वो भूत वापस से उसके सामने आ जाता है। तेरी तो मुझे कब से तलाश थी। मुझे माफ कर दो, मैं आज से गरीबों की मदद करना चालू कर दूंगा। तो जैसे लालचियों की जगह यहाँ नहीं नर्क में है,
और मैं तुझे वहीं पहुंचा दूंगा। फिर वो भूत उस सेठ को हवा में उड़ाकर चलती मशीन में डाल देता है और उसकी भी रोटियां बन जाती है। वो भूत आसमान में विलुप्त हो जाता है।